आखिर क्यों किन्नरों की दी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो सभी अयोध्या वासी भी उनके पीछे पीछे वन के लिए चलने लगे। भगवान राम ने जब यह सब देखा तो उन्होंने सभी अयोध्या वासियों से कहा कि आप सभी लोग अयोध्या के लिए वापस लौट जाइए, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। तब भगवान श्री राम ने उन्हें अपनी सौगंध दी और पुनः राज्य को लौट जाने की बात की। भगवान श्री राम ने कहा कि कोई भी पुरुष या स्त्री उनके पीछे नहीं आएगा। सभी लोगों ने भगवान की मान ली और अयोध्या के लिए लौटकर उनकी याद में जीवन गुजारने लगे। इन्हीं सब लोगों में चार किन्नर भी शामिल थे जो अयोध्या नहीं लौटे। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ वनवास को समाप्त करके अयोध्या के लिए लौटे तो उन्होंने देखा कि वो चारों किन्नर अयोध्या के प्रवेश द्वार पर बैठे थे। भगवान राम ने किन्नरों से पूछा कि आप लोग अयोध्या के लिए लौटे क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों को ही लौटने के लिए कहा था। किन्नरों की गिनती ना तो स्त्रियों में होती है और ना ही पुरुषों में, इसलिए उन चारों किन्नरों ने अयोध्या की रक्षा करते हुए 14 साल द्वार पर ही बिता दिए। उनके इस निस्वार्थ भाव को देखकर भगवान श्री राम प्रसन्न हुए और उन्होंने किन्नरों को आशीर्वाद दिया कि आज से आपका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाएगा, इसलिए किन्नरों की द्वारा दी गई दुआ कभी भी खाली नहीं जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।